अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त ट्रेन किनर और इस वक्त हम मौजूद हैं ट्रेन 136 डाउन धमाका एक्सप्रेस। ट्रेन अभी मंडी बहाउद्दीन से डिपार्ट कर रही है और बढ़ रही है मलकवाल स्टेशन की तरफ। मेरी वीडियो का मकसद आपसे शेयर करना जो है वो ये है, आज मौसम बहुत अच्छा है और सफ़र ही बहुत सुहाना बना हुआ है। ट्रेन इस वक्त फुल रफ्तार के साथ अपनी मंजिल मलकवाल जंक्शन की तरफ, अगले स्टॉप की तरफ बढ़ रही है और मौसम बारिश के बाद बहुत ज़बरदस्त हुआ है, सरसब्ज़ और शादाब हुआ है और यहाँ पर ब्रांच लाइन का ट्रैक साउंड मैं आपको इंजॉय करवाऊँगा और हम आपको दिखाएंगे हमारे ओपोजिट साइड में जो भी इस वक्त मौजूद है वो है इस्लामाबाद और ये पहाड़ हमें जो नज़र आ रहे हैं सामने माउंटेन्स, ये इस्लामाबाद मरी एरिया है जो हम यहाँ से व्यू कर सकते हैं। वहाँ के व्यू ज़्यादा बेहतर होंगे लेकिन अभी हम यहाँ से इसको एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बताता चलूँ, सैलाब की वजह से ट्रेन बंद पड़ी हैं और ट्रेन बंद होने की वजह से सिर्फ एक ट्रेन जो यहाँ पर रन कर रही है सरगोधा टू लाला मूसा, वो हमारी 135 और 136 है। फ्रेंड्स, अभी हमारी ट्रेन इस वक्त 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड से रन कर रही है और ट्रैक साउंड बहुत ही कमाल का इस वक्त सुनाई दे रहा है। पहाड़ हमारे साथ साथ ट्रैवल कर रहे हैं और टिल ये करते रहेंगे आई थिंक जब तक हम मलकवाल नहीं पहुंच जाते, हमें वहां तक नज़र आते रहेंगे। हम इस वक्त ग्रीनरी एरिया से गुजर रहे हैं और सफ़र बहुत अच्छा जा रहा है अभी तक। सैलाब की वजह से इस सेक्शन पर चलने वाली हमारी दो ट्रेनें मिल्लत एक्सप्रेस 17 अप और 18 डाउन और हज़ारा एक्सप्रेस 11 अप और 12 डाउन दोनों अभी बंद पड़ी हैं, तो फ़िलहाल अभी तक तो उनकी कोई रिपोर्ट नहीं है चलने की। तो सिर्फ ये अकलौती ट्रेन है अभी, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, 135 और 36 अभी सरगोधा से लाला मूसा वर्क कर रही है, सिर्फ इस रूट पर यही ट्रेन है इस ब्रांच सेक्शन पर और आजकल यही ट्रेन बिल्कुल बादशाहों की तरह चलती है इस ट्रैक पर, क्योंकि किसी ट्रेन के साथ इसका कोई क्रॉस नहीं बनता। क्योंकि अगर ये सुबह डिपार्ट करती है सरगोधा से अक्सर 11 अप लेट होती थी, उसकी वजह से इसको इंतज़ार करना पड़ता था 135 के तौर पर, और 136 के तौर पर जब ये आती है लाला मूसा से तो इसका 17 अप के साथ क्रॉस होता था और उसकी वजह से इसे मंडी बहाउद्दीन 10 मिनट का स्टॉप दिया जाता था और उसके बाद की ट्रेन वहाँ से ट्रैवल करती थी। लेकिन चूंकि आजकल 17 अप बंद है, क्लोज है, सैलाब की वजह से ट्रेन को रोका गया, सस्पेंड किया गया, तो इस वजह से आजकल मंडी बहाउद्दीन भी हमारी 136 डाउन का स्टॉप सिर्फ 5 मिनट कर दिया गया है। हम जिस स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहे हैं 136 डाउन में इस वक्त, तो आई थिंक ड्राइवर साहब बहुत जल्दी में हैं और बार बार हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहे हैं ताकि कोई भी किसी किस्म की रुकावट रास्ते में नहीं आए। और आई थिंक जिस स्पीड से जा रहे हैं उससे मुझे तो लगता है कि शायद हम मलकवाल जंक्शन पर टाइम से बिफोर ही अराइवल करेंगे।
ऑन द डोर खड़े होकर हम लेफ्ट और राइट साइड पर शायद स्पीड को इतनी जल्दी गैस नहीं कर सकते जैसे हम ज़मीन पर देखकर चेक कर सकते हैं कि ट्रेन की रफ्तार किस कदर तेज़ है। एंड आई थिंक कि कोई भी पॉसिबल ऐसी चीज़ नहीं है इस स्पीड में ट्रेन को टच करने के लिए। और मेरे ख्याल से ब्रांच लाइन पर बेहतरीन स्पीड है इस वक्त जो मैं महसूस कर रहा हूँ। मैंने शायद आज तक इतनी तेज़ स्पीड में यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन को ट्रैवल करते अभी तक नहीं देखा। सो तेज़ स्पीड के साथ सफ़र करते करते और अपने साथ सरसब्ज और शादाब खेतों को और हरियाली को देखते देखते साथ माउंटेन्स को भी इंजॉय करते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते बढ़ते तकरीबन पहुंच चुके हैं इस टाइम मलकवाल जंक्शन के करीब। और हम काफ़ी अच्छी स्पीड के साथ मलकवाल जंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं बल्कि अप्रोच कर रहे हैं मलकवाल जंक्शन की तरफ। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रही है तो जिस तरफ स्टॉप करना है प्लेटफॉर्म पर वो तो हमारे ऑपोजिट साइड पर आएगा। मैं अभी दूसरी साइड पर खड़ा हूँ डोर पर क्योंकि उस डोर पर उतरने और चढ़ने वालों का रश रहेगा तो यहाँ से कैप्चर करना मुनासिब होगा। और मेरा ख्याल अभी तक मैंने इस साइड से इस एरिए को मलकवाल जंक्शन को कैप्चर नहीं किया अभी तक तो चलें अभी इस अराइवल को हम यहीं से कैप्चर करेंगे और जो प्लेटफॉर्म हमारी साइड पर आता है हम उसको कैप्चर करते हैं। तो ये रहा हमारा मलकवाल जंक्शन का प्लेटफॉर्म हमारी साइड वाला और अदर साइड जो प्लेटफॉर्म है ऊपर उधर से सवारियाँ उतरना चढ़ना जैसे मैं अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो मलकवाल जंक्शन पर हम अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पर हमारा 10 मिनट का स्टॉप होगा। और ये देखें ये अदर साइड अभी रश आपको मैं जैसे बता रहा था उतरने चढ़ने वालों का दरवाजे पर है और जिन्होंने नीचे से चढ़ना है तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। देखें काफ़ी लोग यहाँ पर उतरने के लिए भी खड़े हैं और चढ़ने वालों की तादाद भी काफ़ी है। ये मैं आपको उतर कर अभी दिखाता हूँ। ये देखें सामने से डोर्स के ऊपर कैसे रश बन जाता है यहाँ पर और इस साइड पर भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पर अभी लोग अभी उतरे हैं जो और जो चढ़ रहे हैं ये देखें सामने कसीर तादाद में यहाँ पर लोग उतरते और चढ़ते हैं। तो हम बिफोर पहुँचे हुए हैं यहाँ पर और चाय की तैयारी है जनाब। चाय यहाँ की बहुत मशहूर और ज़बरदस्त है। ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और 5:05 पर हमारा यहाँ से डिपार्चर होगा। 1:36 डाउन को मलकवाल पर 10 मिनट का स्टॉप दिया जाता है क्योंकि ये जंक्शन है और यहाँ पर कसी तादाद उतरती और चढ़ती है जैसे कि आप पहले देख चुके हैं। तो हमारा GMC 15409 डिपार्चरिंग व्हीसल दे चुका है मलकवाल जंक्शन से डिपार्चर के लिए। और मैं आपको इधर से सिग्नल व्यूज़ दिखाता हूँ ऑन द लेफ्ट साइड। मैं पहले भी आपको इतनी वीडियो में मेंशन कर चुका हूँ ऑन द लेफ्ट साइड का सिग्नल डाउन है जो कि सरगोधा की तरफ जाएगा हमें लेकर हमें मेंशन किया गया। ऑन द राइट साइड ट्रैक जो जाता है वो पिंड दादर खान के लिए जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ से मलकवाल जंक्शन से किस किस रूट पर ट्रेन जाती है या ट्रैक जाता है तो ट्रेन तो शायद आजकल चूँकि नहीं जा रही लेकिन ट्रैक जहाँ जहाँ जाता है मैं इस चीज़ को पहले भी मेंशन कर चुका हूँ। मज़ीद आप उन वीडियोस को देखने के लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन में पर लिंक दे दूँगा तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं उन वीडियोस से मज़ीद मालूमात के लिए। तो हमारी ट्रेन इस वक्त डिपार्ट शुरू कर चुकी है मलकवाल जंक्शन से। सो लेट्स स्टार्ट द राइड। तो प्लेटफॉर्म पर सामने हमारे मस्जिद है। अभी मैंने नमाज असर यहीं पर अदा की अल्हम्दुलिल्लाह और इसके साथ ही पुलिस स्टेशन है। और ये रहा मलकवाल जंक्शन का साइन बोर्ड जिसको हम लीव कर रहे हैं प्लेटफॉर्म के साथ। और ये मलकवाल जंक्शन के बोर्ड के साथ मेरे फ्रेंड खड़े हैं अली असगर जो मुझे हाथ कर रहे हैं अल्लाह हाफिज़ जनाब अल्लाह हाफिज़। तो हम लीव कर रहे हैं जनाब मलकवाल जंक्शन को विथ 136 डाउन धमाका एक्सप्रेस।
136 डाउन मलकवाल जंक्शन से सरगोधा के लिए डिपार्ट करते हुए। मलकवाल से हमारे बॉस के रेल फैन वापस हैं। और 136 डाउन बिफोर अप्रोच के बाद राइट टाइम डिपार्ट हो रही है हमारी। और अभी हम डायमंड क्रॉसिंग को क्रॉस करेंगे यहाँ से। डायमंड क्रॉसिंग पर आ गई और शाम का एक दिलकश मंजर 136 डाउन के डिपार्चर के साथ मलकवाल जंक्शन से। बारिश बहुत ज़्यादा रही है सुबह और उसके असरात अभी तक सराउंडिंग में ग्राउंड में मौजूद है हमारे पास। लोको शेड मलकवाल मलकवाल लोको शेड का टर्न टेबल। तो फ्रेंड्स आज की शाम मलकवाल जंक्शन से डिपार्चर के नाम। तो अभी मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। मेरा सफ़र है तो सरगोधा तक लेकिन मेरे मोबाइल की बैटरी इस वक्त डाउन हो रही है। सो यू होप इन्जॉय दिस। टेक केयर ऑल। अल्लाह हाफिज़।